भारतीय किसान यूनियन उगराहा दे प्रधान पिंड शामपरा तो डॉक्टर गुरमीत सिंह जी। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब, जिथे तुहाडी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा जिहड़ी आ ओह संयुक्त मोर्चे दे नाल विच उहदे भाईवाल आ, ते अज जिहड़ा गाजीपुर बार्डर दे उत्ते जिहड़े किसानां दा संघर्ष चल रिहा आ उहदी सारी देखरेख उहदी कमांड जिहड़ी आ ओह राकेश टकेत जी कर रहे ने। ते राकेश टकेत जी ने जिथे पिछलियां दिनां दे च इक बयान दित्ता आ कि भाई जिहड़ा किसानां दा धरना ये लम्मा समा चलेगा, 2 अक्तूबर की तरीक जिहड़ी आ ओह अखबारां दे विच दे दित्ती आ कि ये धरना 2 अक्तूबर तक गांधी जयंती तक लैके असी जावांगे, इहनूं तुसीं किस नज़र दे नाल वेखदे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो हैरान है भी जो अपना टकैर साहब ने जिहड़ा अपना बयान दिता जी भी गांधी जयंती 2 अक्तूबर नूं आउणी आ उदों तक धरना चलेगा जी जी, मतलब इन्ना धरने समय इन्ना जो लम्मा समा धरने क्यों दिता जा रहा वा? उस तो बाद जिन्नियां साड़ियां 30 या 31 जथेबंदियां पंजाब दियां ने उन्हें एक बार नहीं खंडन इस चीज़ का किया भी क्यों इन्ना लम्मा संघर्ष आप लैके जा रहे हैं। किसी भी जथेबंदी वालों कोई बयान नहीं आ रहा भी 2 जयंती तो बहुत दूर की गल आ, इन्ना लम्मा संघर्ष क्यों खिंचा जा रहा, उसका कारण ये पिछे की है? तुसीं की महसूस करते हो कि ये गल जिहड़ी इन्ना वड्डा लम्मा उन्होंने कह दिता आ इहदे पिछे की हो सकता है? असी तो यह कह रहे हैं भी इहदे पिछे सानू कारण दा कोई पता नहीं लग रहा, ना तो कोई साडे जथेबंदियां जिन्नियां भी साडे पंजाब दियां 31 जथेबंदियां उन्हां वल्लों कोई भी जिहड़ा ना उन्हां वल्लों कोई मतलब उहदा रिएक्ट नहीं आ रहा भी की गल है क्यों ये लम्मा किया जा रहा, किसी जथेबंदी अजे तक बयान नहीं आया। पर मैं ये बेनती हथ बन के बेनती करना चाहुंदा अपने 31 जथेबंदियां नूं भी जो टकैर साहब ने बयान दिता भी 2 जयंती ने अपने गांधी साहब की जिहड़ी जयंती आनी हैगी उदों तक संघर्ष चलेगा पर जिन्नियां साडी जथेबंदियां ने पंजाब दियां उन्हां वल्लों कोई भी इहदा खंडन नहीं किया गया भी इन्ना लम्मा संघर्ष क्यों चलेगा। इहदे विच मैं एक गल होर भी दस देना चाहुंदा हां कि एक होर जथेबंदी दे प्रधान साहब ने उन्होंने एक हासोहीणा जिहा बयान दिता सीगा कि टकैत साहब ने जो गल की आ बिल्कुल वो एवें लोगों नाल मजाक ही किया। कि तुसीं इह सोचदे हो कि टकैत साहब वालों इस तरह की गल करनी जां लीडर साहिबान वालों यह गल कहनी कि टकैत साहब ने मजाक ही किया, यह गल जायज़ है इस समय के उत्ते? वेखो जी, पहले तो टकैत साहब ने बयान दिता, मुड़ के मैं टैलीविजन से देख रहा साडे किसान जथेबंदियां दे कोई प्रधान सी अपने की ना तो मैंने उन्होंने भुल गया, उन्होंने कहा टकैत साहब हादसे माहौल गल कर गए ने, पर यह जी है ना बड़ी दुविधा की गल हैगी लोगों के जाती आ भी टकैत साहब कुछ बोल रहे ने, साढ़े पंजाब के जो जथेबंदी एक प्रधान से जो कुछ कह रहे हैं मैं चीज़ा ना बिल्कुल सहमत नहीं है भी ये मतलब जी भंबल भूसे से गल पाउनी है चंकी नहीं हैगी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब फिर तुम की सोचते हो कि यह संघर्ष आने वाले दिनों जे इस तरह ही भंबल भूसा पिया रहा तो संघर्ष किधर न जाऊगा? मैं तो जथेबंदियों को बेनती करदा एक लकीर जिहड़ी खिच देनी चाहिए अज तो भी असी जिहड़ा संघर्ष है इन्ना लम्मा ना जाण दईए, असी सरकार दे नक च दम कर दईए कि सरकार जिहड़ी आप जिहड़ी बुलावा देवे भी आओ किसानों साडे नाल गलबात करो। सरकार ने तो अज तक बुलावा नहीं दिता पर साडियां किसान यूनियन दे जिहड़े आगू ने उही बार बार कह रहे ने कि जे सानू सरकार सद्दा देवेगी असी जरूर जावांगे असी जरूर जावांगे, एक कोई समझ नहीं लग रही इत्थे की कहोगे? गल है जी जी प्रपोजल पहला दी प्रपोजल तो हम कल मोदी साहब बयान दे रहे थे टैलीविजन के फिर भी कानून तो वापस होने नहीं असं सोध कर दें, पहलिया गल्ला जो पुरानी चल रही वह गल् चल रही नवी गल को आ नहीं रही तो साढ़े कोई जथेबंदियों का रैक्शन भी नहीं आ रहा कोई भी असं की करना चाहते हैं गांह साडा निशाना की हैगा इस बारे सानू जथेबंदियों जिहड़ा ना वो मतलब दसना चाहिए लोगों मतलब जागरूक करना चाहिए ये बारे। जे ये काम इस तरह जागरूक जथेबंदियां नहीं कर दियां ते की तुसी महसूस करते हो कि इहदा जिहड़ा संघर्ष चल रहा ये मध्यम भी हो सकता? बिल्कुल जी, जिन्ना लम्मा संघर्ष चलता मध्यम भी पैंदे ने तेज भी हुंदे आ, किसे वेले मध्यम भी पै सकदे इस तरह लम्मा करन नाल संघर्ष जो हुण अबाला दुनिया दे विच आया होया
यो अबाला ही कुछ ना कुछ लै सकता, जेकर ठंडे होके फिर बह गए फिर साडा उ हाल होना, एक मीटिंग सद ली फिर दूजी सद ली फिर तीजी सद ली, दसा ग्यारह मीटिंगा का यो हाल, फिर भी साडा हाल यो ही रहना। जिन्ना चिर साडा स्पष्ट निशाना नहीं सारे जथेबंदियां होता उन्ना चिर साडी कामयाबी नहीं हैगी। ये सन जी डॉक्टर गुरमेत सिंह जी शामपुरा भारतीय किसान यूनियन अगराहा तो, जिन्हां ने यह गल कही है कि सारिया जथेबंदियों ठोस जिहड़ा आ उह कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, जे ठोस फैसला ना लिया तो यह संघर्ष जिहड़ा आ उह कराहे भी पै सकदा। सो बहुत बहुत डॉक्टर साहब तुहाडा धन्नवाद, फतेह अर्ज करदा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।